गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के स्टूडियो में हम ड्रॉ करेंगे हैरी पॉटर का जो हमने पहले आउटलाइन ड्रॉ की थी उसी स्केच को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसी ट्यूटोरियल का वो पार्ट टू है और ये पार्ट टू है और इसमें हम पूरी तरह से स्केच को कंप्लीट करेंगे रियलिस्टिक। और अपने शुरू में स्केच देख लिया होगा कैसा बना है और आप लोग कमेंट में बता देना कैसा है और उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस आपको जो रेफरेंस फोटो है वो साइड में शो हो रही है। और गाइस मैं आपको उस वीडियो मैंने ज़्यादा फास्ट किया थोड़ी सी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। और देख सकते हो आप लोग मैं HB पेंसिल से अभी पूरी फेस में शेडिंग कर रहा हूँ। HB पेंसिल आपको पूरे फेस में शेड करना है आईज को छोड़ के, गॉगल्स के अंदर वाला पार्ट छोड़ के। और आप लोगों ने शुरू में जो स्केच देखा बहुत आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए और पूरे फेस में अभी शेडिंग करेंगे। अब हम आईब्रो में 8B पेंसिल का यूज़ करके बस थोड़ी सी डार्क शेडिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हो 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, थोड़े से हेयर्स के शेप में ड्रॉ करके कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं जो है गॉगल्स में जो साइड वाला फ्रेम है उसको मैं 8B पेंसिल से दे रहा हूँ। बस इस तरह से करना है और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एंड स्क्रीन में लगा रखा है, आप लोग देख सकते हो आउटलाइन वाला। इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट में आपको जो दिखता है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और चेक कर लो। और अभी अभी हम जो आईज हैं उसमें आपको 8B पेंसिल से हम पूरी तरह से शेडिंग कर रहे हैं और अभी जो बीच वाला जो होता है उसमें। और ये देख सकते हो आप लोग पूरा बस फ्रेम को 8B पेंसिल से कर लिया है हमने। अभी आईब्रो को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और अब हम अपनी आई लैशेस को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। अब आई के नीचे वाला पार्ट को HB पेंसिल से शेड करेंगे और जो डार्कर एरियाज हैं उन्हें मैं ब्लेंडिंग पूरे फेस को कंप्लीट शेडिंग करने के बाद करूंगा। अभी देख सकते हो आप लोग जो शैडो है ग्लासेस की, उन शैडोज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब जो शैडो है वहाँ पे आउटसाइड में उसको भी मैंने ड्रॉ किया। अब आप लोग देख सकते हो, आप लोग पूरे स्टेप्स को फॉलो करो। और जो हैरी पॉटर के असली फैन होंगे उन्हें पता होगा एक मार्क रहता है उनके हेड पर जो कि एन शेप में या फिर एन उल्टा एन वैसा ही कुछ शेप में होता है। सो वो अगर आप लोग फैन हैं असली बिल्कुल तो आप लोग जानते होंगे। सो उसको भी ड्रॉ किया है मैंने, उस पर पूरे बाल थे फोटो में बट मैंने वो बाल नहीं बनाए हैं, मैंने उसकी जगह पूरा मार्क दिखाया है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी तो अपनी दिखानी चाहिए स्केच में। अभी नोज़ के नीचे वाले शेडो के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ किया और अब नीचे पूरी शेडिंग हम फेस में कर देंगे HB पेंसिल का यूज़ करके। HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, HB पेंसिल का यूज़ करना सबसे सही रहता है बेस लेयर के लिए। और उसके बाद डार्क के लिए हम HB पेंसिल का ही यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग 2B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं हेयर्स के आउटलाइंस को थोड़ा सा डार्क कर दिया और अभी हम थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं HB पेंसिल से, सेकेंड लेयर लगा रहे हैं। बस अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो मेन स्केच है उसमें ज़्यादातर जो है वो हेयर्स हैं और हेयर्स मैंने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ करने का ट्राई किया है और काफ़ी अच्छे लग भी रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अब हमारी जो आई लैशेज हैं उन्हें हमने फिनिशिंग टचेस दे दिए हैं, अब हम कुछ देर में ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बस लिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। लिप्स का जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया था, उसको मैंने ठीक किया और अब मैंने उसको ठीक किया और अब ठीक लग रहा है। अब हमारे जो बेसिक फेस का लेयर्स हैं शेडिंग के वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बस कुछ फिनिशिंग टचेस देने हैं शेडिंग में और उसके बाद हम करेंगे ब्लेंडिंग। अभी आप लोग देख सकते हो अब हमारे जो ब्लेंडिंग टूल्स है वो ये है और अभी हम ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंडिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हो बस ब्लेंडिंग स्टंप लाइटली प्रेस करके आपको चलाना है और हाइलाइट्स भी देंगे लास्ट में। सो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, 13 मिनट्स की वीडियो है बट प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए। आप लोग पूरी तरह से ड्राइंग करना, एक रियलिस्टिक स्केच एक कैसा ड्रॉ, एक बिगिनर कैसे ड्रॉ कर सकता है आप लोग पूरी तरह से सीख सकते हैं इस स्केच के ट्यूटोरियल से। देख सकते हो लास्ट में जब हाइलाइट्स देंगे तो फेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम आईज के अंदर ब्लेंडिंग करेंगे छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टंप यूज़ करके जो स्मॉल साइज का आता है। अगर आपको ब्लेंडिंग स्टंप खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हो, अमेजोन पे सर्च कर सकते हो। और गाइस मैंने नया ट्राइपॉड भी ले लिया है तो उसके रिव्यू वीडियो मैं जल्दी से बना लूँगा, सो आप लोग वेट करना। और आप अभी आप लोग देख सकते हो हम अब
पूरी तरह से हमारे जो हाइलाइट्स है हमने उसे दे दिया है नेडेड इरेजर का यूज़ करके। नेडेड इरेजर, आपको अगर जानना है कि नेडेड इरेजर क्या होता है, मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में बता भी रखा है बट बिल्कुल डिटेल में नहीं बताया है। अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट में एक कमेंट बस आ जाए और मैं उस पर फट से वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगने लगा है। अब हमारा जो फेस है काफ़ी ब्यूटीफुल लगने लगा है और ज़्यादा डार्क भी नहीं लग रहा है क्योंकि हमने हाइलाइट्स दे दी हैं। अब मैंने जो हेयर्स की आउटलाइन थी उन्हें डार्क कर लिया और हेयर्स जो है हमारे वो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हेयर्स किस डायरेक्शन में है पहले उसका बेस हम चढ़ाएंगे, बेस बनाएंगे। देख सकते हो मैं पहले यही बता रहा हूँ क्योंकि, और मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग हेयर्स ड्रॉ कर रहे हो कोई बहुत घने या फिर किसी वुमेन के या लेडी के किसी का भी ड्रॉ कर रहे हो, आपको आई विल रिकमेंड कि आप लोग मतलब एज अ बिल्कुल एक्यूरेट शेप ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग फोटो से एज अ रेफरेंस ले लो कि किस डायरेक्शन में है और अपने हिसाब से आप लोग ड्रॉ करो। अब आप लोग देखो मैं ए टू बी पेंसिल का यूज़ करके किस तरह से लेयर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और उसी तरह से स्ट्रोक्स लगाओ और मेरे जैसे रियलिस्टिक हेयर्स पाओ। ये राइमिंग था, अचानक से मुंह में आ गया इसलिए बोलती है बट कोई बात नहीं। देख सकते हो आप लोग अब हेयर से बस ए टी बी पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाते जा रहा हूँ और बीच में जो हाईलाइट है उसके लिए जगह छोड़ा है और लास्ट में देखना कितना ब्यूटीफुल लगेगा जो हाईलाइट के लिए जगह छोड़ा है हमने। मेरे पास टोमोमोनो जीरो है होम मेड वाला बट आई हैव नॉट यूज दैट क्योंकि मुझे लगा था कि इस वीडियो में आई शुड नॉट यूज़ दैट क्योंकि कई लोगों को लगता है कि टोमोमोनो जीरो नहीं रहेगा तो हम हेयर्स में हाईलाइट नहीं दे सकते। आप लोगों ने देखा मैंने बिल्कुल भी टोमोमोनो जीरो इरेजर नहीं यूज़ किया और हेयर्स में कितना सुंदर लग रहा है हेयर्स, हेयर के बीच वाला पोर्शन इतना ही एकदम रियल जैसा लग रहा है। और अब आप लोग देख सकते हो मैंने इधर वाला जो हेयर्स है उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग इसी तरह से पूरा वीडियो में हेयर्स को देखते रहिए और आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से हम हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप हेयर्स मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने हेयर्स पहले से ही ड्रॉ कर रखे थे बट इसमें हेयर्स थोड़े से डिफरेंट और डिफ़िकल्ट नहीं थे, डिफरेंट थे डिफ़िकल्ट नहीं थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हेयर्स को ड्रॉ करने में, मतलब मन कर रहा था ऐसे 20-40 और हेयर्स ड्रॉ करूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी घने बाल थे बट मज़ा तो आया है। अभी आप लोग देख सकते हो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ए टू पेंसिल से स्ट्रोक्स देने हैं और जहाँ जहाँ फोटो में थोड़ी बहुत भी हाइलाइट्स दिखती हैं वहाँ पे ज़्यादा हर जगह हाइलाइट्स नहीं देना है, कहीं कहीं पे हाइलाइट्स हम देंगे। अभी आप लोग देख सकते हो मैंने पूरी तरह से शेड कर दिया है, ऊपर वाले हेयर्स को भी ड्रॉ कर दिया है। अब मैं जो सिंपल इरेजर था उससे थोड़ा सा जो हमने वाइट एरिया किया था वो उस पर किया और अब हम अपना पूरा जो है ऊपर में भी शेडिंग कर रहे हैं। हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले एक लेयर चाहेंगे जिसमें हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होगा और उसके बाद हम लोग पूरा जो डार्क है उसको करेंगे। आप लोग देख सकते हो जो डार्क है उसको करने के बाद हमारा ऐसा लग रहा है कुछ, और उसके बाद हम 8B पेंसिल से और डार्क कर लेंगे और कम्प्लीटली हमारा जो स्केच का हेयर्स हैं वो हो जाएंगे कम्प्लीट। आप लोग देख सकते हो वो शाइन आ रही है थोड़ी सी इसलिए आप लोगों को डार्क नहीं लग रहा होगा, मैं भी करने का ट्राई करता हूँ। नहीं गाइस शाइन आ रही थी उधर में इसलिए डार्क लग रहा है बट वैसे ही है जैसे मैंने राइट में ड्रॉ किया वैसा ही लेफ्ट में है। आप लोग वैसे ही ड्रॉ करना, 8B या फिर 6B यूज़ कर सकते हो आप लोग अगर आपके पास 8B ना हो तो। देख सकते हो अब आपको शाइन नहीं आ रही होगी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा नीचे शाइन नहीं आ रही ऊपर पता नहीं क्यों आ रही है। कोई बात नहीं 8B पेंसिल का ही यूज़ करके बस जो और हाँ गाइस मैंने पिछले वीडियो में रेफरेंस जो लिंक था रेफरेंस वो नहीं दिया था बट आई विल गिव यू इन दिस वीडियो, आप लोग जाके चेक कर लेना आपको मिल जाएगा पक्का। अभी जो हमारा पूरा जो है हेयर्स का जो डायरेक्शन है वो मैंने पूरी तरह से लगा दिया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बीच में जो हाइलाइट्स है मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी और इसको ब्लेंड कर दिया ब्रश का यूज़ करके। और जो नॉर्मल इरेजर है जो हम यूज़ करते हैं उससे मैंने बस थोड़ा सा मतलब प्रेस कर दिया था टैप, जिसको हम टैप कहते हैं वो बस मैंने किया था ताकि थोड़ा सा वाइट तो लगना चाहिए ना, वो आप लोग नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हो और नॉर्मल इरेजर किसके पास नहीं होता।
अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो पूरा हेयर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिकली जो हमारा कंप्लीट, इतना ही अगर आप लोग एक जब बिगिनर ड्रॉ कर लेते हो तो मतलब बेस्ट बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एक बिगिनर कभी इतना फोटो रियलिस्टिक तो नहीं ड्रॉ कर पाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए होती है, और प्रैक्टिस अगर करेगा तो बिगिनर भी प्रो आराम से बन सकता है। आप लोग देख सकते हो मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर जिसपे मैं अपने सारे स्केचेस दिखाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे पास पड़े हुए हैं, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा बट मिल जाएगा, कोई बात नहीं, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। और अब देखिए मैं जो वहाँ है उसमें बस सिर्फ मैंने जो क्या बोलते हैं डार्क एरियाज हैं बस मैंने उसी को किया है, जो डार्क एरियाज है उस पर मैंने ब्लेंडिंग स्टंप चला दिया है, बाकी एरियाज को वाइट ही छोड़ा है ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। और आप लोग देख सकते हो थोड़े से जो शेडोज़ हैं उसको मैंने ड्रॉ किया है, टाई में मैंने थोड़ी सी डार्क की है, रिगार्डिंग टू द फेस मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, आप लोग देख सकते हो। और अभी आप लोग जो टाई देखोगे वो थोड़ी सी आपको डार्क लगेगी फोटो के हिसाब से, और आप लोग देख सकते हो हमारा जो स्केच है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रियलिस्टिक रिजेंबलेंस सब कुछ आ चुकी है स्केच में। आप लोग को अगर आपको स्केच पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दो। देख सकते हो थोड़ी सी डार्क की है मैंने, पता नहीं कैसे वो डार्क हो गया था, HB पेंसिल से ही किया था फिर भी डार्क हो गया था। आप लोग को इतना डार्क नहीं करना है, और इरेजर चला रहा था नेडिट इरेजर फिर भी नहीं हो रहा था, देख सकते हो आप लोग। बस हमारे जो वो बेसिक फेस है वो हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है, और अब मैं जो शर्ट में है उसमें डार्क शेडिंग कर लेता हूँ अपने से, और उसमें मतलब एज अ वीडियो नहीं बनाया हूँ मैंने, चलिए चुटकी बजाते हैं चुटकी, बस हमारा जो फेस है वो हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद, मतलब बेसिक स्केच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखा जो हमारा स्केच है वो कंप्लीट हो गया, अब बस हमें साइन करना है, सो मैंने साइन भी कर दिया, तो अब चलते हैं फेस कैम में। कैसा लगा आपको स्केच? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा, और जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट में करके कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको अपना अपना फोटो अपने फोटो का स्केच ड्रॉ करवाना है तो आप लोग इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे जो नंबर शो है उसको मुझे सेंड कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।